नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में एक नया नुस्खा लेकर के, एक नया टॉपिक लेकर के। जी हां दोस्तों, आज का हमारा नुस्खा जो है वो बिल्कुल देशी है दोस्तों। बुढ़ापा दूर रखने और यौवन की रक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए दोस्तों, या क्या घरेलू उपाय हैं, हम आज आपको बताएंगे। आंवलों के मौसम में नित्य प्रातः व्यायाम या भ्रमण के बाद दो पके पुष्ट हरे आंवलों को चबाकर खाएं, और यदि इस प्रकार कच्चा आंवला न खा सकें तो उनका रस दो चम्मच और शहद दो चम्मच मिलाकर पिएं। जब आंवलों का मौसम न रहे तब सूखे आंवलों को कूटकर या पीसकर कपड़े से छानकर बनाया गया आंवलों का चूर्ण 3 ग्राम यानी कि 1 चम्मच की मात्रा से सोते समय रात को अंतिम वस्तु के रूप में शहद में मिलाकर या फिर पानी के संग लें दोस्तों। इस तरह 3-4 महीनों तक प्रतिदिन आंवलों का प्रयोग करने से मनुष्य अपनी काया पलट कर सकता है दोस्तों। निरंतर प्रतिदिन सेवन करने से भूख और पाचन शक्ति बढ़ती है, गहरी नींद आने लगती है, सिर दर्द दूर हो जाता है, मानसिक और मर्दाना शक्ति बढ़ती है, दांत मजबूत हो जाते हैं, बाल काले व चमकदार हो जाते हैं, कांति, ओज और तेजस्विता की वृद्धि होती है दोस्तों, और मनुष्य बुढ़ापे में भी जवान बना रहता है। आंवलों में रोग निरोधक गुण होने के कारण स्वतः ही रोगों से बचाव होता है और मनुष्य सदैव निरोग रहकर लंबी आयु प्राप्त करता है। आंवले के प्रयोग के साथ सात्विक भोजन करें। आंवला एक उच्च कोटि का रसायन है, यह रक्त में से हानिकारक और विषैले पदार्थों को निकालने और वृद्ध मनुष्यों को पुनः जवान बनाने में सक्षम है। इसके नियमित सेवन से रक्त वाहिनियाँ लचकीली बनती रहती हैं और उनकी दीवारों की कठोरता दूर होकर रक्त का परिभ्रमण भली भांति होने लगता है दोस्तों। रक्त वाहिनियों में लचक बनी रहने के कारण मनुष्य का न तो हृदय फेल होता है, न ही उच्च रक्तचाप का रोग होता है दोस्तों, और न ही रक्त का थक्का बन जाने से रुकावट के कारण मस्तिष्क की धमनियां फट पाती हैं। आंवलों के निरंतर सेवन से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन सब धातुओं से मलिन या मृत परमाणु देह के बाहर निकल जाते हैं और उनके स्थान पर नूतन और सबल परमाणुओं का प्रवेश हो जाता है। रक्त वाहिनियाँ बुढ़ापे में भी लचकीली बनी रहती हैं, चेहरे की झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं दोस्तों, और मनुष्य वृद्धावस्था में भी नवयुवकों की भांति चुस्त और ताकतवर बना रहता है। तो इस प्रकार से अगर आपको जवां बने रहना है दोस्तों तो आंवले का सेवन जरूर करें, चाहे चूर्ण के रूप में, चाहे आप उसका रस लें या जूस लें, कैसे भी लें, पर आंवले का सेवन करना न भूलें। अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे एक नई औषधि लेकर के, एक नया नुस्खा लेकर के, एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।